एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे गरियाबंद के राजन की, जहां पर कृषि उपज मंडी समिति के किसानों द्वारा बेचे गए उपज का भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों का 25 फरवरी से राजन मंडी में नीलाम बंद कर मंडी गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। चौथे दिन किसानों, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडी सचिव और राइस मिल के प्रतिनिधि व्यास नारायण साखरिया के मध्य बातचीत हुई है। साखरिया और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि जमीन बेचकर देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कुछ राशि एक दो दिन में मिल सकती है, बाकी के लिए समय देना होगा। इस पर किसानों ने कहा है कि पहले उन्होंने 35 दिन का समय दिया, जिसमें केवल 14,50,000 रुपए ही भुगतान किया गया। उसके बाद अब 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन 1 रुपए की व्यवस्था नहीं की गई। कहा गया है कि अगर राइस मिलर ने भुगतान नहीं किया तो बाकी बचे करीब 15 लाख रुपए का भुगतान कौन करेगा? आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? लगभग 100 लोग का पैसा है, जिसमें हम लोग 8 महीने पहले बेचे हैं और यहाँ चंद्रेश एग्रोजेंसी के खरीदे हैं मंडी में आके, और इन्होंने हर 15 दिन में पैसा 15 दिन के बाद मिल जाएगा। ये लगभग पैसा भी 32 लाख रुपए है। इसका क्रय क्षमता के आधार पर जो खरीदी करते हैं उस तरह से उसको बांट रहता है, अधिक खरीदी करने के लिए नहीं दिया जाता, जितना उसको कैपेसिटी क्षमता रहता है उस वही खरीद सकते हैं, उतना ही खरीद। और अधिक जानकारी के लिए पुरुषोत्तम पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में, किसानों का क्या कुछ कहना है और क्या वाकई में अभी भी धरना जारी है? जी बिल्कुल, धरना जो है ये लगातार जारी है इनका, और किसानों ने इस बार तय कर लिया है कि अगर उनका पैसा नहीं भुगतान करता, राइस मिलर के द्वारा भुगतान नहीं होता, तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसको प्रदेश भर में इनको लागू करना चाहिए, क्योंकि जिला सहकारी समिति जब धान खरीदती है तो जिला सहकारी समिति जो है सरकार के पास पैसा पहले से रखती है, लेकिन ये जो मंडी के माध्यम से राज्य के इलाके के जो राइस मिलर्स खरीद रहे हैं या फिर प्रदेश भर में कहीं भी मिलर जब मंडी से धान खरीदते हैं तो उनके पास केवल 10,000 की एक एफडी मंडी को दिया जाता है और उसी बुनियाद के आधार पर उनको 12 लाखों रुपए का धान खरीद दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ राजिम में हुआ है कि एक ही राइस मिलर जो है 60 लाख का धान खरीद लिया और उसकी गारंटी के तौर पे। चलिए आपको रोकना चाहूंगी, पीड़ित किसान राज साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तस्वीरें हम देख रहे हैं गरियाबंद की, आखिर क्या क्या परेशानियां हो रही है जिस वजह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर क्यों अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? अनुबंध पत्र के आधार पे राजीव में किसानों ने मंडी में धान बेचे थे और उसके अनुसार में 24 घंटा के भीतर तो भुगतान हो जाना चाहिए था, लेकिन 15 दिन बाद में राइस मिलर द्वारा चेक जो दिया गया था किसानों को वह चेक बाउंस हो गया। तो इस तरह से एक राइस मिलर का धान खरीदी जारी रहा और वो चेक बाउंस होते रहा, तो जून जुलाई और अगस्त 3 महीने का जो चेक है वो बाउंस हो गया। तो इस तरह से लगभग 110 के किसानों का चेक बाउंस हुआ। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने मंडी सचिव के पास में शिकायत किया तो पहले बार में तो उन्होंने कह दिया था कि चेक बाउंस आप रिपोर्ट दर्ज कराइए। तो हम लोगों का यही कहना था कि जो कृषि उपज मंडी में खुले ऑक्शन में खुले बोली के माध्यम से जिन किसानों ने अपना उपज बेचा है और आज वो क्यों कोर्ट जाए तो फिर मंडी का जिम्मेदारी क्या बनता है? तो इसके आधार पे उन्होंने कुछ वसूली राइस मिलर से किया था और उसका कुछ भुगतान किसानों को किया, तो अभी तक 19 लाख रुपए का भुगतान किसानों को हुआ है और 32 लाख रुपए का भुगतान के लिए पिछले 4 महीने से और कुल मिला के अभी 8 महीना हो गया किसानों को, तो 32 लाख रुपए का भुगतान अभी किसानों को नहीं हुआ, जिसके वजह से ये किसान अभी अनिश्चितकालीन धरना में वो बैठे हैं। एक बात और बता दूं कि इसको लेकर के कलेक्टर से लेकर के कृषि मंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, राज्यपाल, मंडी बोर्ड के जो संचालक हैं, उन सबको हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान मंडी निधि से भी किसानों को देने का प्रावधान नहीं है करके किसानों को गुमराह किया रहा। चलिए बहुत शुक्रिया तेजराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार पुरुषोत्तम जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, साफ तौर पर इनका कहना था, जो पीड़ित वहाँ पे किसान है उनका कहना था कि चेक बाउंस हो गए, लगातार 8 महीने अब बीत चुके हैं, 32 लाख जो है क्लियर होना बाकी है, ज्ञापन भी सौंपा गया पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा और प्रदर्शन भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, मैंने वही बात बताने जा रहा था कि ये जो सिस्टम है इनका, जो खरीदी का सिस्टम है, जो कि मंडी बोली अब खुले ऑक्शन पे मंडी गारंटी के आधार पे किसान जो धान जो है राइस मिलर्स को दे देते हैं, लेकिन मंडी के पास राइस मिलर्स का ऐसा कोई खजाना या ऐसा कोई
गारंटी पत्र या ऐसा कोई मॉर्गेज ऐसा नहीं रहता जिसके आधार पर इस तरह की समस्या को निपटने के लिए मंडी जो है उस राइस मिलर्स की चीज को बुना के किसानों को दे दी। अभी यहाँ की जो स्थिति इसी तरह से फंसा हुआ है क्योंकि राइस मिलर्स का चेक लगातार बाउंस हुआ लेकिन मंडी जो प्रशासन बीच में जो खरीदी का माध्यम बना है मंडी के पास उस राइस मिलर्स का एक भी कोई भी प्रकार का ऐसा चीज नहीं है जिसके जिसको बेच के या जिसको गारंटी के रख के किसान को धान दिया जा सकता धान के एवज में पैसा दिया जा सकता था क्योंकि ऐसा ही मामला महासमुंद में भी आया था। तो इस बात को लेकर क्योंकि प्रदेश भर में इस तरह की सिस्टम है मंडी बोर्ड जब धान खरीदती है तो राइस मिलर्स का कोई भी उनके पास कोई टोकन मनी या किसी प्रकार की गारंटी के तौर पर कोई प्रतिभूति उनके पास नहीं रहता जिसके कारण से लगातार जो है राइस मिलर्स मनमानी करता है और मंडी बोर्ड जो है चुपचाप बैठ के तमाशा देखती रहती है तमाशाबीन बनी रहती है और जो किसान जो मेहनत कर किसान है उनको इसी तरह से परेशान होना पड़ता है और उन्हें केवल लास्ट में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए नसीहत जो है मंडी द्वारा दिया जाता है। तो पूरी तरह से सिस्टम में सुधार की बहुत ही जरूरत है। चलिए बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात कानपुर के करेंगे विकास प्राधिकरण